स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैयापाल और आज लहार विधानसभा के पृथ्वीपुरा गांव में ये कथा व्यास जिनकी मुखारबिंद से आज हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उनकी कथा सुनी है। हम बात कर रहे हैं मानस पुत्री राम सखी मानस माधुरी जी, जो कि अम्बा की रहने वाली हैं, अम्बा क्षेत्र की रहने वाली हैं, मुरैना जिले में पड़ता है और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं आपकी जन अदालत न्यूज चैनल पर। आपकी जन अदालत न्यूज पर आपका स्वागत है। थैंक यू राम सखी जी, सबसे पहले वही प्रश्न है जो आज आपने श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालुओं के बीच कही है कि श्रीमद् भागवत कथा ही वो कथा है जिससे मानव जीवन का उद्धार संभव है, क्या कहना है? हाँ, भगवान की कथा सुनकर के ही भक्तों की भावनाएं बदलती हैं। हमारे भारत में दो गंगा हैं, एक तो जिसको भागीरथी गंगा कहा जाता है और एक है जिसको ज्ञान गंगा कहा जाता है। तो भागीरथी गंगा में और ज्ञान गंगा में यही अंतर है कि उस गंगा भागीरथी गंगा में स्नान करने से हमारे पाप तो धुल सकते हैं लेकिन पापों को करने की वृत्ति समाप्त नहीं होती है। ये ज्ञान गंगा एक ऐसी गंगा है कि इसमें डुबकी लगाने से, इसको कथा श्रवण करने से भक्तों के बुरे विचार बदलकर सुंदर विचार आते हैं, भावनाएँ श्रेष्ठ होती हैं और पाप भी समाप्त होते, पापों को करने की वृत्ति भी समाप्त होती है। तो भगवान की कथा श्रवण करने से कहते हैं कि भावनाएं श्रेष्ठ होती हैं। अक्षर तो केवल चार ही हैं भागवत के, लेकिन चार ही अक्षर में श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़े दिव्य अमृत भर दिया है। भा माने भक्ति, गा माने ज्ञान, वा माने वैराग्य, ता माने त्याग। संतों ने कहा है कि भाग के कहने से ही भाग्य खुल जाते हैं भक्तों के, गा के कहने से गुमान मिट जाते हैं, वा के कहने से वर्ण होत विष्णु भक्तन में, वो ता के कहने से भव सिंधु तर जाता है। ऐसी ये श्रीमद् भगवत कथा है जिसको आज सभी भक्तों ने बड़े भाव और श्रद्धा से श्रवण किया है। राम सखी जी लहार क्षेत्र में पृथ्वीपुरा गांव में पहुंची हैं, कैसा लगा आपको यहां पर यहां के भक्तों को? यहां के श्रद्धालु भक्तों में इतना अच्छा लगा है कि यहाँ आकर के ऐसा लगा है जैसे जो ब्रज बरसाने में आनंद मिलता है, वृंदावन में आनंद मिलता है, जो यहाँ के ब्रजवासी भक्तों में आकर के आनंद मिला है। हाँ, राम सखी जी, कितने वर्ष से आप श्रीमद् भागवत कथा कह रही हैं अपने जीवन में और ये विचार कैसे आया आपको? ये बचपन से ही शौक था भजन कीर्तन करने का, छोटे से ही प्रभु भक्ति में है। कितने वर्ष की थी जब आप? थी 8-9 साल की थी जभी से है। जभी से आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कथा में आज हमने आपकी कथा सुनी है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज रखी थी। आज कलयुग में जिस तरीके से मुरैना भिंड संभाग जो बदनाम क्षेत्र माना जाता है यहाँ इस तरीके के होते हैं, तो उन भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमें नहीं लगता है कि द्रौपदी जैसी बहनों की रक्षा करना चाहिए इस कलयुग? बिल्कुल, हम हर भाई को बस यही कहते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी द्रौपदी की रक्षा की, वैसे हर भाई अपनी बहन की रक्षा करें। ना माता समझाने पर नारी, सभी को बस यही बताना चाहते हैं कथा के माध्यम से, सभी भाइयों को यही प्रसारण देना चाहते हैं कि हर भाई के बस विचार ऐसे बन जाएं जैसे प्रभु राम जी के थे। वो पराई स्त्री को अपनी माँ के समान समझते थे, ऐसे हर भाई अगर पराई स्त्री को अपनी माँ, हर बहन को अपनी बहन के समान समझने लग जाएंगे, उसी दिन जो अनर्थ हो रहे हैं वो नहीं होंगे। राम सखी जी, आप भी बेटी हैं, बहन हैं और कहीं ना कहीं आप जीव आत्मा का उद्धार करने के लिए कथा कहती हैं, तो उनके लिए आपका शाब्दिक रूप में देखा जाए क्या निचोड़, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? उनके लिए क्या संदेश है आपका, श्रद्धालुओं के लिए, देश की जनता के लिए, भाइयों के लिए क्या विचार हैं? सभी भाइयों के बस यही कहना है सबसे कि ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है जी। तो सब ये मानव तन पा करके भगवान की भक्ति करें जी। बड़ी कृपा हुई है, अनंत कृपा से ये भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया है, तो सब भगवान की भक्ति करें और भजन करें और माता पिता की सेवा करें, बस यही उद्देश्य। एक बड़ा क्वेश्चन आता है श्रीमद् भागवत कथा में, मैं क्वेश्चन जानने के लिए हरदम प्रयास करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का राधा के साथ विवाह क्यों नहीं हुआ, क्या कारण? राधा और कृष्ण अलग है ही नहीं है जी। वो तो एक ही है जी। राधा कृष्ण अलग नहीं है, जैसे जल से उसकी लहरें अलग नहीं है, सूर्य से उसकी किरणें अलग नहीं है,
चांद से चांदनी अलग नहीं है, ऐसी राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक ही ज्योति है। तो राम सखी जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है कि राधा कृष्ण एक ही हैं। तो यहाँ ग्राम पृथ्वीपुरा के सभी भक्तों ने इतना प्रेम दिया है कि आज उनके लिए दो शब्द हम भी कहेंगे कि पृथ्वीपुरा के वासी सदा खुश रहना, गलती हुई हो हमसे माफ कर देना, आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे। तो आपकी जन अदालत न्यूज पर मानव सखी राम सखी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत ही अच्छे प्रश्नों के जवाब उन्होंने यहाँ पर दिए हैं। और राम सखी जी के लिए क्या कहना चाहते हैं आपकी जन अदालत न्यूज पर लिखिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज पर, और फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार। मत भूलिएगा, जब तक घंटी नहीं दबाएंगे नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए नए सदस्य सब्सक्राइब करें और लाइक करती रहें। धन्यवाद। और ग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम स्टे सेफ।